अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबियाज कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं चिकन रोस्टेड, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो चिकन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला है। पूरे चिकन पर अच्छे से जर्दे के कलर की कोटिंग करेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गार्लिक पेस्ट, जिंजर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे इसमें हम आधा लाइम जूस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे इसमें और ऐड करेंगे इसमें दही। एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। मेन पॉइंट ये है कि जब हम ऑयल में चिकन ऐड कर रहे हैं उस टाइम हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही फ्लेम स्लो कर देंगे, तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जो इसकी कोटिंग होती है ना, वो तेल में निकलने लगती है और फिर बोटियों से कोटिंग छूट जाती है। आप देख सकते हैं हमारा तेल कितना तेज़ गर्म है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम डालते ही चलाने नहीं लग जाएंगे, इसे इसी तरह पकने देंगे। चिकन पे अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे पलट देंगे और इस पॉइंट पर हम फ्लेम एकदम सिम कर देंगे। अभी चिकन के ऊपर की कोटिंग तो अच्छे से रेड हो गई है, लेकिन चिकन अंदर अभी पूरी तरीके से कच्चा है और इसे धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट तक पकने देंगे। दस मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छे से गल गया है और अब हम इस पॉइंट पर आंच को एक बार फिर से तेज कर देंगे। लास्ट में जब हम 2 मिनट इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो ये सुपर क्रिस्पी हो जाएगा। और अब हम इसे चलाते भी रहेंगे, अदरवाइज इसमें एक तरफ से ही ज्यादा डार्क कलर हो जाएगा।
अब ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा हम इसे साइड में स्क्वीज करते हुए निकालेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसी में रह जाए। तो हमारा चिकन रोस्टेड बनकर रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सेम प्रोसेस से हम सेकंड बैच भी चलकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू।